아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루. गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल खुशी निलसिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं रात में ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मैं रेडी होके कहाँ जा रही हूँ अभी हवी ड्यूटी से आए ना और बोले चलिए घड़ा लेने के लिए, मिट्टी वाला जो घड़ा होता है ना वो लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हवी को फ्रिज का पानी नहीं पीना है और ऐसे उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वो बोल रहे हैं कि घड़ा का पानी अच्छा होता है एंड ठंडा रहता है, तो चलिए घड़ा लेके आते हैं। और मिस पता है डिनर पे सारा कुछ बना ली, रोटी सब्जी सब बना ली, बस खाने वाले थे हम लोग एंड हवी आए और बोले कि नहीं चलिए, तो फिर मैं जल्दी से बस कॉम कर ली और रेडी होकर फिर हम लोग चलते हैं अभी मार्केट। मार्केट नहीं, बस ऐसे ही रोड साइड वो घड़ा मिलता है ना, तो वही घड़ा लेके फिर आ जाएंगे। प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा, मैं आप लोग को दिखाऊंगी घड़ा का शॉप। वैसे मैं कभी गई नहीं हूँ, आज फर्स्ट टाइम जा रही हूँ ना मैं, जाने के लिए निकल गई एंड गाड़ी पे हूँ बेबी को नहीं ले जा रही हूँ ना, वो अपनी दादी के पास है, बोला मैं नहीं जाऊँगा। मैं और हवी जा रहे हैं हम लोग घड़ा लेने के लिए और बहुत रात है ना, तो पूरा अंधेरा सा लग रहा है, तो गाड़ी पे लाइट जल रहा है इसलिए वीडियो शूट कर ली और बाहर पूरा अंधेरा है रोड पे या फिर इधर उधर सब साइड, क्योंकि टाइम हो रहा है रात का 8 बज रहा है और 8 बजे पहली बार निकले हैं, मतलब ऐसे ही अचानक से, वैसे निकली हूँ पर वैसे मतलब सोच के कि इतना बजे जाना है, पर अभी आए अभी जस्ट। अब मैं बोली कि डिनर कर लीजिए तो वो बोले नहीं, पहले घड़ा लेके आएंगे उसके बाद डिनर करेंगे, और मैं सारा कुछ बना के रख दी हूँ और फिर हम और चलते हैं घड़ा लेने के लिए। घड़ा का पानी तो वैसे मेरे को भी बहुत पसंद है, मैं गांव जाती थी ना अपनी दादी के यहाँ, तो वहाँ घड़ा में ही दादी रखती है पानी, बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो काफ़ी बहुत दिन से, मतलब बहुत साल से मैं घड़ा यूज नहीं की थी, तो इस बार गर्मी में हवी को घड़ा का पानी पीना है, उनको फ्रिज का पानी नहीं पीना है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं घड़ा लेने के लिए। और मेरे यहाँ का मार्केट अभी दिखेगा नहीं, अंधेरा है और मैं गाड़ी के अंदर हूँ, अभी हवी आ रहे हैं उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग चले लॉन्ग ड्राइव पे हवी के साथ, वो भी रात में, वाओ जी नहीं लॉन्ग ड्राइव नहीं, ऐसे ही काम से जा रहे हैं। और ना ये गली बहुत अंधेरा सा रहता है, जो गाड़ी का जो लाइट जल रहा है ना बस वही लाइट, और रोड भी कच्ची रोड है ना, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे फिर शॉप चलेंगे घड़ा जहाँ बिकता है मार्केट। वैसे तो अभी मार्केट ना पूरा शांत हो गया होगा क्योंकि रात है ना, तो रात में मेरे यहाँ जल्दी सारा दुकान सब बंद हो जाता है। वैसे तो अभी गर्मी का मौसम है इसलिए थोड़ा मतलब खुल जाता है, नहीं तो ठंड में ना 8 बजे तक सारे बंद हो जाते हैं। फिर हम लोग निकल गए और ये रहा रोड, मेरे घर से कुछ ही दूरी पे है, वैसे ज़्यादा दूर पे नहीं है, घड़ा जहाँ मिलता है ना बस थोड़ा ही दूर पे है। जी आ गए और हम लोग चले घड़ा लेने के लिए, इसका डिनर भी करा देंगे। हाँ डिनर भी होटल में, होटल में इसका फेवरेट होटल है। अच्छा मेरा फेवरेट होटल ले जा रहे हैं ना। क्या चीज का? वो आदमी को बोले सुधार नहीं हुआ आज तक, अपना में तो हम बिगड़ल थे, हम बोले इसमें कोई दुआ था क्या? पहुंच गए हम लोग घड़ा का मार्केट एंड फोर व्हीलर से इसलिए आए हैं ना क्योंकि घड़ा ले जाने नहीं बनता बाइक से, इस वजह से, और दो लेना है और देखते हैं क्या क्या है यहाँ मिट्टी का बना हुआ। वैसे तो बहुत कुछ दिख रहा है, अरे वाह बोतल भी है ना अच्छा देखते हैं कितना का है बोतल। पानी है नहीं, पानी कहाँ से देंगे मैं तुमको लगा है डालिए बोली
अरे लगेगा भैया, अरे लगेगा दे रहे आपको भी दे रहे हो। छेदा हो जाता है, छेदा कैसा है? लाल वाला है कि कहीं लीक कर जाएगा या यही लीक कर जाएगा तो फालतू हो जाएगा। इसका 110 दीजिए। नहीं 100 देंगे उसका। नहीं लेने आए हैं स्पेशल तो। बोल के ना जाए, लेते हैं आप ही के पास। बोलिए कितना दे? 120। 80 नहीं ना, 100 में तो मेरा खरीदा 20 रुपए तो ले लेगा। अच्छा छोटा वाला सब सेल से लेना है। लेके 100 में दीजिए ना। नहीं करते हैं भाई, 100 रुपये में हम ना है, 10-20 रुपये नहीं बचेगा बताइए। 100 में दीजिए पड़ेगा, उतना दूर से आए हैं लेने के लिए। 21 से आए हैं दीजिए दीजिए। 10 तो लेंगे हम, धूप में बैठेंगे 10 रुपये नहीं लेंगे। 100 मेरा ला के 100 रुपये तो लेंगे। 100 रुपये उनसे नहीं लाए हम, 100 रुपये ही में लाए। यहाँ पे ना काफ़ी भीड़ भी था, सब कोई घड़ा लेने के लिए आए हुए थे और सब ना कम करा रहे थे घड़ा का। और एक ना नल वाला भी यहाँ पे घड़ा मिल रहा था, उसमें ना नल लगा हुआ था, बट मैं वो इसलिए नहीं ली ना क्योंकि नल कभी कभी ख़राब हो जाता है और नल ख़राब हुआ तो फिर घड़ा भी यूज का नहीं होगा ना। और बिना नल वाला लेंगे तो फिर घड़ा का यूज हम अच्छा से कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ना लिए। और बोतल भी ले ली घड़ा भी ले लिए और मिट्टी का बोतल। मैं ना कभी नहीं देखी थी, इस बार फर्स्ट टाइम देखी ये मिट्टी का बोतल एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा। और पीछे घड़ा है, दो दो घड़ा। और एक बोतल सासू माँ को दूंगी और एक मैं रखूंगी। और इस बार फर्स्ट टाइम बोतल का पानी, वो भी मिट्टी वाला। और वैसे ना बहुत अच्छा से बना हुआ है, देखिए फिनिशिंग में घर पे जाके ना अच्छा से दिखाऊंगी। और ले लिए एंड हवी को कुछ काम था तो वो गए हैं और फिर चलते हैं हम लोग घर। और बेबी को भी छोड़ के आई हूँ ना दादी के पास, तो फिर वो भी वैसे खोजता नहीं है मेरे को, कहीं भी मैं जाऊँ ना वो रह जाता है अपनी दादी के पास। और ये मिट्टी का बोतल। कितना अच्छा लग रहा है ना मिट्टी का बोतल, मतलब देख कोई चीज़ अचानक से मैं देखती हूँ ना तो लगता है अरे वाओ। इतना मतलब कभी नहीं, इस बार फर्स्ट टाइम जब एक बार मैं आई थी ना रोड साइड तो अभी को बोली कि देखिए मिट्टी का बोतल भी रहता है ये लोग के पास, तो फिर आ जाई घड़ा लेने के लिए तो भी था, तो मैं बोली मैं ले लेती हूँ बोतल। और 100 में दिया इसको, 180 बोला था, फिर 150 बोला, उसके बाद फिर 100 में दे दिया। दो बोतल ली और फिर घड़ा। और वैसे घड़ा का पानी पीना चाहिए, घड़ा का पानी पीने से ना शरीर स्वस्थ रहता है और पेट एकदम साफ रहता है। अब चलते हैं घर, उसके बाद मैं आप लोग को अच्छे से दिखाऊंगी घड़ा एंड बोतल। अभी आते हैं उसके बाद चलेंगे, बेबी के लिए कुछ लेने के लिए गए हुए हैं शायद आइसक्रीम। मना की थी मैं आइसक्रीम नहीं लेने के लिए क्योंकि अभी रात है ना तो आइसक्रीम ठीक नहीं है खाने के लिए, फिर तबीयत खराब हो जाएगा बोल के। बस घर से कुछ ही दूरी पे अभी गए हैं शॉप कुछ लेने के लिए, फिर हम लोग चलेंगे आज रात में घड़ा लेने के लिए। अचानक से आए और बोले कि चलिए घड़ा लेके आते हैं। अरे वाह ये तो आवाज भी करता है। घर वापस आ गए घड़ा लेके और होटल बंद था ना तो नहीं किए डिनर, वैसे कोई बात नहीं मैं बना के गई थी एंड चाउमीन लेके आई हूँ, आइसक्रीम भी। ये वाला मेरे को खाने का मन किया था तो ये वाला आइसक्रीम भी और मैंगो, इसको पानी में रख दी हूँ क्योंकि इसमें ना मतलब वो गर्मी रहता है ना क्योंकि धूप में ठेला पे रखा रहता है, तो इसको पानी में रख दूंगी उसके बाद फिर
मैंगो यमी यमी। पहले घड़ा दिखाती हूँ मैं आप लोग को ना अच्छे से घड़ा एंड बोतल। आइसक्रीम भी गिर जा रहा है। और पता है मोटर ऑन करके चल गई थी, पानी पूरा आंगन में भर गया गिर के। ये रहा घड़ा। शायद ना इसमें ऐसे ही पानी नहीं रखा जाता है, इसको कुछ कुछ किया जाता है, वैसे मेरे को मालूम नहीं है, सासू माँ से पूछना होगा कि इसमें क्या करना है, उसके बाद फिर पानी रखेंगे। एंड सबसे अच्छा तो मेरे को ये लगा बोतल ना। देखिए इसमें डिजाइन भी बना हुआ है, पता है, देखिए। वाओ, मिट्टी का बर्तन, मतलब मिट्टी का बोतल, और सब चीज देखी थी, बर्तन जो भी रहता है मिट्टी का, बट बोतल मैंने देखी थी फर्स्ट टाइम देखी ना। मिट्टी का तो वैसे सारा कुछ रहता है खाना बनाने का, पर ये फर्स्ट टाइम देखी थी इसलिए मेरे को ये अच्छा लगा। बस ये छोटा सा ब्लॉग था नाइट का, कमेंट करके बताइएगा मेरा बोतल कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब मैं चली आइसक्रीम खाने। अब इसमें कैसे पानी रखूंगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब तो किचन में एक्वागार्ड का यूज नहीं होगा, होगा बट ज्यादा घड़ा का ही होगा। पहले इसका पानी पीते थे ना एक्वागार्ड का, तो गर्म पानी आता है गर्मी में, इसलिए फिर देखते हैं घड़ा। वैसे तो ऊपर नहीं रखेंगे, उसको नीचे ही रखेंगे, ऐसे स्पेस भी नहीं है और ऊपर गिर जाएगा। सब्जी वगैरह सारा बन गया था मेरा, कद्दू और चना दाल का सब्जी बनाई थी और रोटी भी बना ली थी क्योंकि हम लोग डिनर करने वाले थे ना, तो फिर हम ही आए थे, फिर हम लोग चल दिए। सारा आइसक्रीम गिर था। बाय, गुड नाइट।